मुख्यमंत्री हाय शिक्षा मंत्री एक काम करो पीछे पीछे मोबाइल चार साल से एक ही मांग के लिए सड़क पर है, सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति, जिसके लिए कि हम लोग कंटिन्यू तीन साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चौथे साल में हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। हम लोगों को एक रिटेन आश्वासन मिला था कि 26 जुलाई से आपका वैकेंसी ओपन हो जाएगा, तो हम लोगों ने 26 जुलाई तक का वेट किया। आफ्टर दैट 1 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में अपना प्रोटेस्ट जो है उसको कंटिन्यू रखे थे। आप लोग खुद देखे होंगे कि 22 अगस्त को जो डाक बंगला चौराहे पे प्रोटेस्ट था, वो भी हम ही लोग का प्रोटेस्ट था। उसमें किस बर्बरता तरीके से हमारे अभ्यर्थियों को पीटा गया, तिरंगा लिए हुए यात्रियों पे पीटा गया, अभ्यर्थी थे सॉरी, और उसके बाद सर सैकड़ों अभ्यर्थी घायल हो गए थे। और हम लोगों को धमकी दिखाई जाती है कि अगर आप लोग ये पोस्टर बैनर लेके चलेंगे ना तो आपके ऊपर धराएं लगा देंगे। हम लोग आज पोस्टर बैनर लेके चल रहे हैं, आप धराएं लगा के दिखाइए आप कितने लोगों पे धराएं लगाएंगे। 1,20,000 अभ्यर्थियों को डालने के लिए जेल में है आपके पास जगह। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सर सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप किस नींद में सोए हैं, थोड़ा नींद खोल करके, और चुनाव का जो एक नशा आपके पास है ना, 2024 और 25 से पहले आप बहाली नहीं देने के मूड में हैं, तो हम लोग भी इस बार मूड बना करके ही आए हैं कि डू और डाई। हम लोग इसी गर्दनी बाग की धरती से गांधी जी का जो नारा था ना, करो या मरो, तो हम लोग भी उसी नारे के साथ आए, अभी सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर सत्याग्रह से बात नहीं बनेगी ना, तो हम लोग आगे चलकर भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार है। अगर आप उससे भी नहीं मानिएगा, तो हम लोग भी पूरे बिहार में भ्रमण करके, और अंत में जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसी के तर्ज पे मैं आज आह्वान करना चाहती हूँ कि राजनेताओं बिहार छोड़ो, अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, आपको लग रहा है ना कि आप पीएम के योग्य हैं, अगर आप सीएम नहीं ढंग से बन सकते हैं तो आप पे देश क्या भरोसा करेगा। भैया सरकार का दसवा कर रहे हैं हम,